अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट, अब हम जो डिस्कस करने लगे हैं वो है सुप्रीमम और इन्फिमम। सुप्रीमम और इन्फिमम की डेफिनेशन को डिस्कस करने लगे हैं। तो फर्स्ट में मैं किसको डिस्कस करूँगा, सुप्रीमम को। तो सुप्रीमम हमारे पास क्या होता है, लीस्ट अपर बाउंड होता है। अपर बाउंड हमारे पास किधर से आते हैं, किधर से आते हैं भला, हमारे पास आते हैं अगर कोई सेट बॉन्डेड अबव हो तो उधर से हमारे पास क्या आते हैं, अपर बाउंड आते हैं। तो इसलिए मैंने लिखा है कोई भी एस नॉन एम्प्टी सेट लिए एंड एस क्या होना चाहिए, अपर बॉन्डेड अबव होना चाहिए। तो अगर मैं कहता हूँ इस ये जो बॉन्डेड अबव सेट है इसका U क्या है, सुप्रीमम है, तो इसका मतलब ये हुआ कि U क्या होगा, लीस्ट अपर बाउंड हुआ ना, लीस्ट अपर बाउंड होगा। तो इसका मतलब है कि ये S के तमाम एलिमेंट से ग्रेटर होगा या इक्वल होगा। कहने का मतलब है ये बॉन्डेड अबव होगा, अपर बाउंड होगा। तो सेकंड कंडीशन हमें ये बता रही है कि ये लीस्ट अपर बाउंड है। फर्स्ट कंडीशन हमें ये बता रही है ये अपर बाउंड है, सेकंड कंडीशन हमें ये बता रही है ये लीस्ट अपर बाउंड है। किस तरह, वो कह रहा है कि अगर कोई अनदर अपर बाउंड एस का एग्जिस्ट करे तो वो इस यू से क्या होगा, बड़ा होगा। ये डेफिनेशन हमें ये विजुलाइज करा रही है कि ये लीस्ट अपर बाउंड है। तो सिमिलरली हम अभी इस डेफिनेशन में किसको किसकी डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे, इन्फिमम की डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे। तो नॉन एम्प्टी सेट है एस की, बॉन्डेड बिलो है। जब बॉन्डेड बिलो है तो इसके क्या एग्जिस्ट करेंगे, लोअर बाउंड एग्जिस्ट करेंगे। उन लोअर बाउंड में से सबसे बड़ा जो लोअर बाउंड है ना, वो इसका क्या होगा, इन्फिमम होगा। तो अगर मैं एस सेट के इन्फिमम को डब्ल्यू कह रहा हूँ तो इसका मतलब है कि डब्ल्यू सबसे बड़ा लोअर बाउंड है। तो ये हमारी लोअर बाउंड की कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। वो सेकंड में वो कह रहा है कि अगर अनदर लोअर बाउंड एग्जिस्ट करे डब्ल्यू प्राइम ऑफ एस का, देन वो डब्ल्यू बार लेस देन होगा डब्ल्यू से, क्योंकि ये भी लोअर बाउंड है और ये भी लोअर बाउंड है, बट ये लोअर बाउंड क्या है, सबसे बड़ा लोअर बाउंड है। तो इसलिए ये क्या है, इसका सुप्री इन्फिमम है। तो ये हमें ये कंडीशन हमें ये विजुलाइज करा रही है ये क्या है, सबसे बड़ा लोअर बाउंड है। अभी हम इसकी जो स्ट्रॉन्ग डेफिनेशन है ना, उसे डिस्कस करते हैं। वो क्या है कि ये देखें, अभी मैंने जब भी लिखना है ना सुप्रीमम ऑफ एस, इसका मतलब यही होगा ये बॉन्डेड अबव है। जब मैंने इन्फिमम एस के इन्फिमम की बात करूंगा, इसका मतलब है वो सेट गया है बॉन्डेड बिलो है। अब आज के बाद मैं नहीं लिखूंगा कि वो सेट बॉन्डेड अबव है या बॉन्डेड बिलो है। तो मैं डेफिनेशन को डिस्कस करता हूं। मैं कहता हूं कि कोई भी एक मेरे पास सेट एस है, उसका डब्ल्यू क्या है, सुप्रीमम है, इफ एंड ओनली इफ फर्स्ट कंडीशन एज इट इज है, सुप्रीमम एस इज इक्वल टू क्या होगा, यू के होगा, इफ एंड ओनली इफ फर्स्ट कंडीशन यही है, एस लेस देन इज इक्वल टू डब्ल्यू, सॉरी यू फॉर ऑल स्मॉल एस बिलोंग करेंगे कैपिटल एस को। सेकंड कंडीशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो, देर एग्जिस्ट एस नॉट बिलोंग करेगा कैपिटल एस को, सच डैट ये हमारा यू है, इसमें से अगर मैं पॉजिटिव नंबर एप्सिलॉन माइनस करूं वो लेस देन होगा एस नोड के। ये डेफिनेशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। जितने भी हम आगे जाके सुप्रीमम और इन्फिमम की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे, तो जिधर हमने ये देखें ये कंडीशन उसी तरह ही किसको शो कर रही है, अपर बाउंड को शो कर रही है। तो ये किसको शो कर सकती है, सिर्फ एक ही चीज़ रहेगी, लो लीस्ट अपर बाउंड। तो ये कंडीशन हमारी लीस्ट अपर बाउंड को शो कर रही है। तो जब भी हम नेक्स्ट एग्जांपल करेंगे तो या प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे, अगर हमने उधर लोअर
अपर बॉन्ड को डिस्कस करना हुआ तो हम इतनी चीज़ को यूज करेंगे। तो ये चीज़ हमें किस तरह विजुलाइज करवा रही है कि ये लीस्ट अपर बॉन्ड के लिए है, लीस्ट अपर बॉन्ड के लिए है। तो ये मैं आपको विजुलाइज कराता हूँ। क्या मेरे पास कोई भी एक सेट है, ऐसे एक ये सेट है मेरे पास, तो अगर मैं इस सेट के जो सुप्रीमम को मैं यू कह रहा हूं तो इसका मतलब यही होगा, ये मेरे पास यू होगा। तो अगर इस यू में से मैं पॉजिटिव नंबर को माइनस करूं, यू माइनस एप्सिलॉन करूं, वो इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा। तो इनके दरमियान एक ऐसा एस का एलिमेंट आ जाएगा जिससे ये लेस देन हो जाएगा यू माइनस, जिस तरह मेरे पास ये मेरे पास आ गया यू माइनस एप्सिलॉन, तो इधर जो एलिमेंट है ये एस का एस नोड आ गया। तो ये कंडीशन हमें क्या बता रही है कि जब हमने यू में से ज़रा सा पॉजिटिव नंबर माइनस किया है तो वो अपर बॉन्ड ही नहीं रहा। अपर बॉन्ड क्या होता है, या तो वो सेट का एलिमेंट हो या बाइट से हो। तो ये यू माइनस, देखो यू माइनस एप्सिलॉन स्ट्रिक्टली लेस देन एस नोट हो गया, तो इसका मतलब ये अपर बॉन्ड ही नहीं रहा। तो इसी तरह हमें ये डेफिनेशन हमें ये बता रही है कि ये लीस्ट अपर बॉन्ड है। तो इसी डेल्टा एप्सिलॉन की फॉर्म में अभी हम सुप्रीमम की इन्फिमम की डेफिनेशन को देखते हैं। इन्फिमम ऑफ एस इज इक्वल टू, अगर मैं डब्ल्यू लेता हूं, इफ एंड ओनली इफ, फर्स्ट कंडीशन क्या है, W less than is equal to small s for all, small s belong करेगा capital S को। Second condition हमारे पास क्या है, epsilon greater than zero, there exists s not belong करेगा किसको, capital S को, such that W plus epsilon greater than हो जाएगा s not के। तो ये डेफिनेशन हमें क्या विजुलाइज करा रही है, ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड को विजुलाइज करवा रही है। तो किस तरह हम ग्राफिकली चेक कर लेते हैं, ये हमारे पास एस है, जब मैं इसका इन्फिमम डब्ल्यू ले रहा हूं तो दिस मीन्स ये एलिमेंट होगा, ये डब्ल्यू होगा। जब इसमें मैं प्लस करूंगा कोई पॉजिटिव नंबर ऐड करूंगा तो वो इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा। तो ये जब इधर आ जाएगा तो इससे छोटा एक एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा, ये इधर एस नोट, तो फिर ये क्या रहेगा, लोअर बॉन्ड ही नहीं रहेगा। तो इसी तरह ये कंडीशन किसको विजुलाइज करा रही है, ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड को। तो इंशाल्लाह हम इसी डेफिनेशन को यूज़ करेंगे इनकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करने के लिए। थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में हम सुप्रीमम और इन्फिमम की प्रॉपर्टीज़ के ऊपर बात करते हैं।